हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी सो so आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के साथ विद द सेम चैप्टर नोइंग आर नंबर सो ओके अ फर्स्ट क्वेश्चन इज महेश बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी वन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज फोर्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी टू इन द

ये आपका कंपेयर है तो आपको पता है कंपैरिजन के लिए हम ये सिंबल्स डालते हैं या ये रहेगा या ये रहेगा या इक्वल होगा चलो वो तो देख लेंगे हम कैसा है एंड बाय हाउ मच मैंने आपको बताया था जब मच मोर मैनी इनका मैंने आपको केस बताया था मच वगैरह केसेस में या तो एड होता है या तो सब्ट्रैक्ट यहां क्या होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछ रहे तो सबट्रैक्ट होगा राइट right? सो so, अब देखते हैं कि हाउ मच वॉज द सेल टूगेदर फॉर द टू वीक्स तो मतलब हमें ऐड करना है ओके okay, जी हम करेंगे कॉलम मेथड से ऐड राइट सो अब देखिए पहले इन दोनों में से हम कंपेयर करते हैं बड़ी टर्म कौन सी है आप देख सकते हैं यहां लैग पोजीशन पे एक ही नंबर है और यहां पे लैग पोजीशन पे दो है आपके पास तो so, ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ तो so, हम पहले इसको लिखेंगे 45 50 3 4 2 वहां से शुरू करते हैं बट फिलिंग कैसे करनी है इसके नीचे लिखना है देखो एडिशन में तो आप जरूरत तो यहां भी पड़ेगी मतलब आप लिख सकते हो रैंडमली बट सब्ट्रैक्शन में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो हम करेंगे क्या देखना प्लेसमेंट कैसे करते हैं वंस के नीचे हंड्रेड के नीचे हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लैक राइट सो इसको कहते हैं कॉलम मेथड ऑफ एडिशन अब कंजेक्टिवलीड करते जाना हमने प्लस वन दैट इज थ्री फोर प्लस फोर एट थ्री प्लस फाइव अगेन एट जीरो प्लस फाइव 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 प्लस एट इज दैट इज थर्टीन कैरी फाइव प्लस फाइव टेन जीरो वन एलेवन वन अगेन कैरी दैट इज फाइव सो दिस इज योर टूगैदर सेल फॉर टू वीक्स और वो कितनी है फिफ्टी वन लैक थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी So, ये थी आपकी कंबाइंड सेल अब हमें क्या करना है हमें कंपेयर करना है कि किस वीक में सेल ग्रेटर थी राइट सो ओके मैंने आपको पहले ही बता दिया था जैसे किसली मतलब, तो मतलब, यह नंबर बड़ा हुआ अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लेटमी शो यू जो बड़ा नंबर है आपका जिधर मर्जी साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट साइड पर लिख देते हम और राइट right साइड पे यहां पे एक स्पेस डालते हुए राइट right साइड पे हम लिखते हैं छोटा नंबर अब बोल तो रहे हैं हम दिख भी रहा है हमें छोटा है बड़ा है बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे द थिंग इज दैट देखो जो टर्म बड़ी है जैसे ये बड़ी है तो इसकी तरफ को ये इसका फेस जो है वो ओपन रहेगा राइट और जो छोटा है उसकी तरफ क्लोज इट ऐसे इसको कंपेयर करते हैं ओके एंड थर्ड पार्ट इज नाउ इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर देन ग्रेटर ये हो चुका है एंड बाय हाउ मच कितनी ज्यादा है तो अब करना क्या है इनका डिफरेंस लेना हमें ठीक है जी डिफरेंस ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे अब इसको फिर से कॉलम वाइज यहीं पे मैं यूज कर रहा हूं इसको कॉलम वाइज लिखेंगे एंड दिस इज एट फाइव द लास्ट वन इज इसका हम डिफरेंस ले लेंगे यही बताना है ना कितनी ज्यादा है देखते हैं टू माइनस वन दैट इज़ वन फोर माइनस फोर दैट इज़ ज़ीरो थ्री में से फाइव नहीं जा सकता तो क्या करेंगे यहाँ से कैरी करेंगे यहाँ पे तो जीरो है कुछ है ही नहीं सो यहाँ से हम कैरी लेंगे ये हो गया आपका टेन अब यहाँ से कैरी लेना है तो ये नाइन बना ये बन गया आपका थर्टीन थर्टीन माइनस फाइव दैट इज़ एट नाइन माइनस फाइव दैट इज़ फोर अब ये बात आई फोर फिर से छोटा हो गया तो पिछले नंबर से हम कैरी करेंगे यहाँ रह गया आपका फोर यहाँ हो गया आपका फोटीन सो so 14 में से 8 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 6 एंड द लास्ट वन इज अब 4 चाहे अलग से कर लो या 44 में से 5 कर लो यहां 3 रख लो यहाँ 14 कर दो सो so 14 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल बी लेफ्ट विद 9 एंड द लास्ट वन 3 विल रिमेन एज इट इज सो आपके किस वीक में सेल ज्यादा थी दैट इज इन द सेकेंड वीक और कितनी ज्यादा थी दैट इज थर्टी नाइन वन रुपीज राइट सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो आर क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट सिक्स टू सेवन फोर थ्री ईच ओनली वंस मीन्स रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी जो डिजिट्स हैं वो सिंगल रहनी चाहिए तो उससे पहले आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना अरेक

राइट right? अब अगर लिस्ट की बात करें तो लीस्ट में हम क्या करेंगे इसी को रिवर्स कर देंगे मतलब टू थ्री फोर सिक्स सेवन पैटर्न का पैटर्न बन गया और अगर हम फंडे की बात करें तो सबसे छोटा फिर, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और ऐसे ही आपका बन जाएगा अब आपको करना क्या है फाइंड द डिफरेंस डिफरेंस निकालना है हमें इन दोनों के बीच में ओके okay, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो अब वो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि वंस के नीचे वंस आना चाहिए वैसे वंस के नीचे वंस आएगा प्लेस वैल्यू सेम होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां सेम सेम ही है राइट right? सो so, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ओके okay. टू में से सेवन अगर मैं बात करूं अच्छा ये पैटर्न भी ठीक लिखा हुआ है ग्रेटर नंबर ऊपर है लीस्ट नंबर नीचे हम सब्ट्रैक्ट ईजिली कर सकते हैं टू की बात करूं टू में से सेवन नहीं जाएगा तो पिछले से कैरी लेंगे हम यहाँ रह जाएगा टू ये बनेगा ट्वेल्व ट्वेल्व में सेवन गया आपका फाइव ये है टू सिक्स अगेन यहां से कैरी लेना पड़ेगा ये हो गया ट्वेल्व आपका तो ट्वेल्व में से सिक्स आपका गया तो बचा सिक्स ये थ्री फोर अगेन सो ये फाइव हुआ यहाँ हो गया थर्टीन थर्टीन में से फोर गया दैट इज नाइन यहाँ फाइव है फाइव में से थ्री टू और सेवन माइनस टू दैट इज फाइव राइट right? सो so, आपका ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में बोलूं तो 52,965, राइट सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो हेयर इज द क्वेश्चन इन अ मूवी शो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली ये फर्स्ट डे का आपका रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो वर्ड बोला गया उसके साथ का नंबर उसके हिसाब से लिखा जाएगा मतलब अगर पहले फर्स्ट बोला है तो जो पहला नंबर लिखा है वो इसी का है सेकंड तो सेकंड थर्ड तो थर्ड फाइनल तो ये आपका फाइनल राइट सो अब देखो क्या कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर जब टोटल आ गया वर्ड मच मोर इन केसेस में आपने क्या करना है एडिशन सो so, आपको टोटल बतानी है कि कितनी थी uh, सारे डेज में सेल कितनी थी टिकट्स की ओके so okay, अब हमें ऐड करना है तो पहले फर्स्ट डे वाला लिखते हैं जब आप कॉलम मेथड में ऐड कर रहे हो तब आपको करना क्या है हमेशा पहले बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा मतलब डिजिट्स कम जिसमें हो रही हैं उसको नीचे नीचे लिखते जाना है तो मैं अगर देखूं यहां पे कितने डिजिट्स हैं मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो पहले ये ऊपर रहेगा और ये वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री तो ये नीचे नीचे जाएंगे ऐसे फोर थ्री एट नाइन ओके okay, नेक्स्ट है आ, आप राइट right साइड से स्टार्ट करोगे लिखना लेफ्ट की तरफ जाओगे सेवन सिक्स सेवन फोर थ्री नेक्स्ट जीरो सिक्स नाइन वन लास्ट सेवन एट नाइन अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मतलब ऐसे क्यों लिखना है क्यों वंस प्लेस के नीचे वंस लेट मी क्लियर दैट आल्सो सपोज आपको मैं जनरली देता हूं

ंस प्लेस के नीचे इसलिए ये पैटर्न फॉलो होता है कि वंस के नीचे वंस टेंस के नीचे टेंस राइट ओके जी अब इनको ऐड करते हैं नाइन प्लस सेवन इज योर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी थ्री सो टू कैरी टू प्लस एट टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस एट दैट इज थर्टी थ्री कैरी थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस इज थर्टीन थ्री कैरी फोर प्लस एट एस नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व सो टू वन कैरी थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सेवन एंड द लास्ट वन विल रिमेन एज इट इज सो टोटल नंबर ऑफ टिकेट सोल्ड ऑन द फोर डेज कितनी है फाइव सेवन टू वन जीरो थ्री अगर हम इसे नंबर सिस्टम के हिसाब से बात करें तो पहले तीन एज इट इज जाएंगी थाउजेंड वाली ये रहेंगी और लैक वाली सो द नंबर ऑफ टिकेट्स आर फाइव लैक सेवेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री राइट सो ओके स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो डिफरेंट थे थोड़े आप देखेंगे कंपेयर कर सकते हैं थोड़े से डिफरेंट थे तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल खत्म हुए हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन की सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो